दिन दिवाली थी। दिवाली आपको पता है कि हिंदू का सबसे बड़ा पर्व दिवाली को माना जाता है। दिवाली के दिन में मैं होटल के अंदर में बैठा हुआ हूँ, रात के 12:30 बजे तक पटाखे छूट रहे आसमान में, ठीक है। मैं अपने घर नहीं जा पाया क्योंकि मुझे दिवाली में छुट्टी नहीं मिली थी और मेरा घर 5 किलोमीटर दूर है उस होटल से। टू सैक्रीफाइस अ लॉट इन दिस इंडस्ट्री, चाहे वो ड्यूटी आवर्स के मामले में आपको तैयार होना पड़ेगा 12 घंटे 16 घंटे काम करने के लिए, आपको चाहे ऑफ के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा 15 दिन बिना ऑफ का काम करने के लिए, आपको तैयार होना पड़ेगा वेकेशन में ड्यूटी करने के लिए, आपको तैयार होना पड़ेगा हर उस मुसीबत और मुश्किल से जूझने के लिए अगर आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं। नमस्कार भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था कि एक बारी मेरे चैनल के ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, तब मैं इस तरह के वीडियोस जो है वो लेके आऊँगा। अगर आप लोगों को याद होगा तो जब मेरे चैनल के करीब 25,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए थे तो मैं एक वीडियो लेकर के आया था, होटल मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन वर्सेज रियलिटी। मतलब आप क्या सोच करके आते हैं होटल मैनेजमेंट कॉलेज में और एग्जैक्टली आपके साथ होता क्या है होटल मैनेजमेंट कॉलेज में, उसकी एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसको आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा होटल मैनेजमेंट कॉलेज के बारे में, नहीं बात करूँगा आज के इस वीडियो में, मैं बात करूँगा होटल मैनेजमेंट खत्म करने के बाद जब आप जॉब करने जाते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है और आप एग्जैक्टली रियलिटी आपको क्या मिलती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मुझसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा कि सर क्या होटेलर्स की अपनी लाइफ होती है, अपनी सोशल लाइफ होती है? सोशल लाइफ का मतलब क्या होता है कि आप अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को या अपनी गर्लफ्रेंड्स को या अपनी वाइफ को टाइम दे पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी सोशल लाइफ जो है या आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है वो सही है। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं इसका मतलब है कि पर्सनल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब्ड है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एक बार अगर होटल ज्वाइन कर लिया, होटल की नौकरी शुरू कर दी तो उनकी पर्सनल लाइफ जो है बिल्कुल ही वो ख़त्म हो गई, मतलब ज़िंदगी जो है वो झंड हो गई। देखिए, मुझे तो पता नहीं है बॉस कि आपके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, इनके साथ क्या हो रहा है। मैं तो जो बात करूँगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूँगा कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया इस इंडस्ट्री में ओवर द ईयर्स, राइट, और मेरी पर्सनल लाइफ कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई इस इंडस्ट्री के चक्कर में, या मैंने क्या बुराई सोची, मैंने क्या अच्छाई देखी इस इंडस्ट्री की, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये टॉपिक ऐसा है कि आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगा, तो ये मैं जो बता रहा हूँ आपको अपने कोर एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि जो लोग होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं वो क्या सोच करके ज्वाइन करते हैं। वो ये सोच करके ज्वाइन करते हैं कि जो होटल इंडस्ट्री है बड़ी ही ग्लैमरस इंडस्ट्री है। ग्लैमरस इंडस्ट्री क्यों है? क्योंकि वो देखते हैं यार कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसके अंदर शाहरुख खान आ रहा है, सलमान खान आ रहा है, कल को अगर हम होटल मैनेजमेंट होटल के अंदर जाएंगे नौकरी करने के लिए तो लोग ये सोच करके नहीं जाते हैं कि बॉस हम वेटर बन के प्लेट उठाने के लिए जा रहे हैं अंदर। वो ये सोच करके जा रहे हैं कि हम अच्छा सा सूट पहन के या ब्लेजर पहन करके एक मैनेजर बन के होटल के अंदर में जा रहे वाले हैं और शाहरुख खान से हम हाथ मिलाएंगे, शाहरुख खान के साथ फोटो खिंचवाएंगे, यू नो, उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है। लेकिन जब हम रियलिटी में पहुँचते हैं तो पता ये चलता है कि साला शाहरुख खान आके चला गया और हमें उसको देखने का मौका भी नहीं मिल गया, या हम ट्रेले के घूम रहे हैं शाहरुख खान के सामने और शाहरुख खान ने हमें देखा भी नहीं। यू नो, दीज आर द रियलिटी इन योर इनिशियल फेज। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ होटल इंडस्ट्री के वीकली ऑफ के बारे में। अगर आप इंडियन चेन में काम करते हो, इसका मतलब कि अगर आपने ताज, ओबरॉयज, ITC फलाना वलाना होटल में काम किया जो इंडियन चेन है, तो वहाँ पर आपको महीने के 4 ऑफ मिलते हैं, ठीक है। अगर आप किसी इंटरनेशनल चेन में हैं तो आपको महीने के 6 ऑफ दिए जाते हैं, आपको मिल जाता है। अभी सीन ये होता है कि सरकारी दफ्तर में अगर आप काम करेंगे तो आपकी छुट्टी जो है वो हर रविवार को या हर शनिवार को मिलेगी, लेकिन होटल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कानून ये है कि आपकी छुट्टी अगर आज सोमवार को है तो अगले वीक में मंगलवार को होगी, अगले वीक में बुधवार को होगी। मैंने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कम ही ऐसा देखा है कि बॉस अगर मुझे छुट्टी सोमवार को मिल रही है तो सोमवार को ही मिलेगी। कुछ ना कुछ ऐसा झोल हो ही जाता है उस हफ्ते में, कोई VIP आके मर जाता है या कोई सेलिब्रिटी आके मर जाता है या पता नहीं होटल बिजी हो जाता है और आपकी जो छुट्टी है वो कैंसिल हो जाती है 100%। तो आपको हमेशा ये तैयार होना पड़ेगा कि अगर आपने अपना वीक प्लान किया हुआ है एक पर्टिकुलर डे के हिसाब से तो आपको बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूटी रोस्टर के अंदर में लिख देते हैं लोग कि द ड्यूटी इज सब्जेक्ट टू चेंज, मतलब वो चेंज होता ही है और 99% जो है वो ड्यूटी रोस्टर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो चेंज होता ही होता है। हफ्ते में आपको एक छुट्टी मिलेगी ऑब्वियसली, अगर आपको हफ्ते में छुट्टी नहीं दी कंपनी वालों ने तो आपको एक सी ऑफ देंगे, लेकिन छुट्टी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप ये दिमाग में सोच के चल रहे हैं कि आपको छुट्टी जो है हर हफ्ते एक ही दिन मिलेगी तो आप गलत सोच रहे हैं, इस चीज़ को आप बिल्कुल भूल जाइए। और खास करके अगर आप F&B सर्विस और फूड प्रोडक्शन में रहेंगे तो आप अगर ये मान के चल रहे हैं कि मेरी छुट्टी जो है हर हफ्ते एक ही दिन आएगी तो कभी ऐसा नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं ड्यूटी आवर्स की।
ड्यूटी आवर्स का सीन ऐसा होता है होटल में कि मैं हर वीडियो तो बताता हूँ कि 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे। देखिए मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, हर दिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग में ये मान के चल रहे हैं कि नहीं मुझे 9 घंटे की ही ड्यूटी करनी है 10 घंटे की ही ड्यूटी करनी है, तो आप गलत सोच रहे हैं। होटल इंडस्ट्री में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है कि आने का टाइम और जाने का टाइम नहीं है। पहले मुझे भी नहीं पता चलता था, लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे पता चल गया कि बॉस अगर आप अपने शिफ्ट पे आ रहे हैं तो आपके आने के टाइम है, बट आप कब जाएंगे आपको पता नहीं है। देखिए जब तक आप वेटर्स में या जूनियर लेवल प्रोफाइल्स में हैं या मतलब सुपरवाइजरी लेवल तक हैं, तब तक तो आप पता बिल्कुल शिफ्ट वाइज काम कर सकते हैं 8 घंटे 10 घंटे। लेकिन एक बार जब आप मैनेजर बन जाते हैं, जब आप मैनेजमेंट में पहुंच जाते हैं, तो आपकी शिफ्ट के टाइमिंग का कोई भी हिसाब किताब नहीं होता है। मुझे खुद ही नहीं याद है कि मैंने लास्ट कब 9 घंटे की ड्यूटी करी है। मतलब अगर वंस यू बिकम अ मैनेजर, इसका मतलब है कि आप यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, तो उस केस में आपकी जो ड्यूटी आवर्स है वो स्ट्रेच होते जाती रहती है। होटल्स में बहुत ही मशहूर है एक चीज़ कि जितनी आपकी प्रोफाइल बढ़ेगी उतना ज़्यादा आपका ड्यूटी आवर जो है और जितना उतना जो हेडेक है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं वेकेशंस की कि हम फैमिली को टाइम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, क्या हो पाएगा। देखिए जब भी वेकेशंस होती है, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, यू नो वैलेंटाइंस डे हो, ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि हम अपने लव्ड वंस के साथ मनाना चाहते हैं। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री का ये है कि इसी दिन जिस दिन छुट्टी होती है, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन सबसे ज़्यादा भीड़ होती है होटल के अंदर में। क्योंकि अगर छुट्टी होगी तो लोग अपने वेकेशंस को प्लान कर रहे हैं, और लोग वेकेशंस को प्लान करेंगे तो कहाँ पे आएंगे, वो होटल्स में आएंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को न्यू ईयर के दिन छुट्टी मिल जाएगी, मेरे को क्रिसमस के दिन छुट्टी मिल जाएगी, मेरे को वैलेंटाइंस डे के दिन छुट्टी मिल जाएगी, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है छुट्टी लेने पर, अनलेस एंड अनटिल आपने बिल्कुल 5 महीने 6 महीने पहले से प्लान करा हुआ है, तब हो सकता है एक चांस कि आपको मिल जाए। बट इन जनरल केस में आपको इन दिनों छुट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि इन दिनों सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती हैं एक होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में, क्योंकि होटल वालों को पता होता है कि यही दिन है जिस दिन धंधा करते हैं, जिस दिन भसड़ बहुत ज़्यादा है, जिस दिन बिजनेस बहुत ज़्यादा है होटल का, तो उस दिन वो अपने स्टाफ को छुट्टी क्यों देंगे, ये सीधी सी बात है। तो ये जो इंडस्ट्री है होटल इंडस्ट्री, ये 24x7 7 डेज अ वीक चलता है, कभी बंद नहीं होता है ये। तो उस केस में आपको अगर छुट्टी जाना है, वेकेशन जाना है, तो आप अपनी छुट्टियां जो है वह पहले प्लान आउट करिए। मैं आपको अपने पर्सनल एग्जाम्पल से एक चीज़ बताता हूँ। एक दिन दिवाली थी, दिवाली आपको पता है कि हिंदू का सबसे बड़ा पर्व दिवाली को माना जाता है। दिवाली के दिन में मैं होटल के अंदर में बैठा हुआ हूँ, रात के 12:30 बजे तक पटाखे छूट रहे हैं आसमान में, ठीक है। मैं अपने घर नहीं जा पाया क्योंकि मुझे दिवाली में छुट्टी नहीं मिली थी, और मेरा घर 5 किलोमीटर दूर है उस होटल से। आप इस बात को याद रखिए, मेरा जो घर है वो 5 किलोमीटर दूर है उस घर से, लेकिन मुझे दिवाली के दिन होटल वालों ने छुट्टी नहीं दी थी, और मैं अपने घर पे 1 बजे रात में पहुंचा, जिस समय सारे का सारा जो दिवाली का हिसाब किताब वो खत्म हो चुका था, दिवाली की सारी सेलिब्रेशन जो है वो खत्म हो चुकी थी, मैं तब पहुंचा। तो यू नीड टू सैक्रिफाइस अ लॉट इन दिस इंडस्ट्री, चाहे वो ड्यूटी आवर्स के मामले में, आपको तैयार होना पड़ेगा 12 घंटे 16 घंटे काम करने के लिए, आपको चाहे ऑफ के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा 15 दिन बिना ऑफ का काम करने के लिए, आपको तैयार होना पड़ेगा वेकेशंस में ड्यूटी करने के लिए, आपको तैयार होना पड़ेगा हर उस मुसीबत और मुश्किल से जूझने के लिए अगर आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो धीरे धीरे जब आप ग्रो करने लगते हैं, जब आपकी होटल्स में या आपके प्रोफाइल्स के हिसाब से आप बारगेन करना शुरू कर सकते हैं, तब लोग तब तब आप जाके बोल सकते हैं कि नहीं मेरे को इसी दिन छुट्टी चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग फेज़ में इनिशियली 2-3-4 ईयर्स जो आपके हॉस्पिटैलिटी का या होटल का होगा, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सैक्रिफाइस करनी है। ये इंडस्ट्री ऐसी है जो आपको कभी भी भूखा नहीं मरने देगी। रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है ना। रोटी आपको होटल दे रही है, कपड़ा आपको यूनिफॉर्म में मिल रहा है, और मकान आप 5-स्टार होटल के नीचे रह रहे हो, तो 3 चीज़ तो आपकी हमेशा पूरी हो रही है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा बस एक मकसद था कि मैं अपने आने वाले जो भी मेरे एस्पायरिंग होटेलियर्स हैं या जो होटल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, उनको पता चल जाए कि बॉस ये कोई 9 to 6 वाली इंडस्ट्री नहीं है कि आप 9 बजे आए लंच बॉक्स लेकर और घर चले गए 6 बजे, ऐसी बात नहीं होती है। यहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट्स काम करती है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट। आप रात में घर जा रहे हो, सुबह जल्दी आ रहे हो, सुबह जल्दी जा रहे हो, रात में आ रहे हो, नाइट कर रहे हो, उसके बाद आपको ऑफ मिल रही है। बहुत भसड़ है इस इंडस्ट्री में। मेरा नाम आनंद मिश्रा है, मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।